12 वाट फिक्स कटिंग किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 12 वाट सही लग रहा है। तो सर गलती क्या हुआ है आपको दिखाऊं, ये अपने को लगाना था यहाँ पर 7 वाट का, ये तो लोचा हो गया बस, देख रहे हो इधर ये चले जा रहा है अंदर। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है पीओपी। आप भी ठीक करके देता हूँ अभी मालूम। नमस्कार दोस्तों, एक और नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों, और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रिशियन चैनल। तो दोस्तों आज की टॉपिक में आपको बताने वाले हैं एक COB स्पॉटलाइट के बारे में, और हम लोग जो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हो गया उसके बारे में आपको भी बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो आपको लेके चलते हैं कौन सा कंपनी के हम लोग COB लाइट यूज करते हैं जो स्पॉटलाइट के नाम से भी जाना जाता है, तो चलो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसा सा रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिकल काम करने वाले हैं, तो हम लोग आपको सबसे पहले लाइट दिखा लेते हैं कौन सा लाइट हम लोग यूज करने वाले हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर है हमारे पास फिलिप्स कंपनी का ये 12 वाट का COB लाइट, ठीक है। यहाँ पर तो स्पॉट लाइट के नाम से ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि LED स्पॉट लाइट है ना, ये फोकस करता है, तो हम लोग इसको COB भी बोलते हैं और इसको हम स्पॉट लाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 12 वाट का है, 12 वाट है ये अपना, ठीक है। और इसमें हम लोग कौन सा कलर यूज कर रहे हैं आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास वॉर्म वाइट, नेचुरल वाइट और कूल वाइट आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नेचुरल वाइट यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग का और क्या क्या फ्यूचर है आप देख सकते हो, यहाँ पर वाटेज और सब कुछ दिया गया है, 220 वोल्ट से रन होने वाला है। और इसका लुमेंस कितना होगा आप सोच रहे होंगे ना, तो ये हम लोग का 15 है, तो ये 900 लुमेंस का है हमारा LED बल्ब, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन करने का तरीका भी बताया गया यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग COB को बाहर करेंगे, उसके बाद मेन MCB बंद करेंगे, उसका ड्रिल करेंगे, कटिंग करेंगे, वायरिंग करेंगे, पछुआ में हमारा लाइट लगेगा, इसी तरीके से ये लगने के बाद फाइनल होगा। तो पूरा इंस्टॉलेशन भी बता दिया गया। तो ये प्राइस रेटिंग आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, कितना है 1640 ना, तो ये समथिंग आप समझ जाओ 1000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं एक्चुअली प्राइस नहीं बता रहा, 1000-1200 रुपये के अंदर मिल जाएगा आपको 12 वाट का। तो ऐसा ही हमारे पास देखिए कितना पीस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पीस हम लोग कुछ यूज करने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए हमारे पास कितने वाट का है, 7 वाट का है, ये 475 लुमेंस है, और ये हमारा 7 वाट का, ये भी हम लोग नेचुरल वाइट यूज कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर 4000 के इंस्टॉलेशन सेम है, इसका प्राइस क्या होगा आप सोच रहे होंगे ना, तो यहाँ पर 1245 कुछ है MRP, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। तो फिलिप्स का और पेनासोनिक का तो ज़्यादा इंस्टॉलेशन कर रहे हैं अभी मार्केट में, यही मटेरियल ज़्यादा मिल रहा है अपने को, बहुत सारा लाइट मिलता है। जैसे कि हमारे पास एक देखिए 2 और आया है विप्रो कंपनी का, ठीक है, ये पैनल है 12 वाट का, ये सरफेस पैनल है, ये 12 वाट का है पैनल है, और अभी हम लोग इतने सारे को इंस्टॉलेशन करेंगे इसी बिल्डिंग पे। तो चलो आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हो गया, एक इलेक्ट्रिक मतलब POP भाई ने जो POP करते हैं ना फॉल सीलिंग, वो क्या किए, 12 वाट हम लोग उनको सैंपल दिए थे, तो वो क्या सोचा 12 वाट का हम लोग को लाइट मिला तो सभी जगह 12 वाट काट दिए, तो उसमें क्या हो गया हम लोग को 7 वाट भी लगाना है टोटल 8 पीस। तो चलो आपको दिखाते हैं उस जगह पर इसमें क्या क्या मिलता है अपने को देख लेते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है ये फिलिप्स जो है, यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, और इसका लुक देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, और इसमें ड्राइवर अलग से दिया गया, इसका डीप जो भी आपको ये है डीप भी बताता हूँ, इसका इंस्टॉलेशन के बारे में डिटेल ही बताएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं 7 वाट का, 7 वाट का कितना फ़र्क है कैसा है तो आपको दिखा देता हूँ। एक पॉलीथीन पैक किया गया है, और ये देखिए यहाँ पर 7 वाट का है, ठीक है, ये 7 वाट का है, और ये हम लोग का 12 वाट है, तो आप सोच सकते हो ये कितना होगा, ठीक है। तो जिस जगह पे हम लोग का गलती भी हुआ है और नहीं भी हुआ है आपको क्या बताऊं, तो चलो आपको दिखाई देता हूँ कौन से जगह पे हम लोग को लगाना है इसी जगह पे, ठीक है। इंस्टॉलेशन करने वाले टोटल कितना पीस, 1 2 3 4 इधर इधर 4, टोटल 8 पीस हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग स्पॉट लाइट लगाने वाले हैं जो COB लाइट है। और इसमें गलती क्या हुआ है चलो आपको बता ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग का साइज़ जो है कितना इंच का है देख रहे हो, तो चलो ये ऐसे तो समझ नहीं आया, पहले मैं आपको लाइट को साइज़ ना आपको बताता हूँ, उसके बाद में जो गड्ढे किया है जो कटिंग हुआ है ना वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिए, चलो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये 12 वाट का है, और ये हम लोग इसको मेजरमेंट लेते हैं, और कंपनी का नाम तो आपको पता ही बता ही दिए हम लोग, और इसका जो हम लोग का साइज़ कटिंग कैसा करना है
तो चलो आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को जो ये जो है दो हैंगिंग के लिए यहाँ पर स्प्रिंग देखने को मिल रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं हम लोग सिंपली यहाँ से यहाँ मेजरमेंट लेते हैं। देखिए तो देखिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट ले रहे हैं ना यहाँ से यहाँ, तो हमारा जो है 85 mm करीब आ रहा है, तो हम लोग को हल्का सा एक्स्ट्रा ही करके चलना है। ठीक है, तो इधर से हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 90 mm तो हम लोग को हल्का सा जगह मिलेगा, गेप रहना चाहिए ये, तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं जगह। ठीक है, 85 से 90 हो रहा है ये हमारा साइज़, जो इसका राउंड जो साइज है उसको हम लोग को उतना करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग का ये तो समझ जाएगा, इसका डीप जो है आपको बता देता हूँ कितना होगा, कितना होगा आप वो सोच रहे होंगे ना, यहाँ पर तो आपको बता देता हूँ 60 mm करीब है। ये देखिए यहाँ पर 60 mm आ रहा है, इसका डीप हम लोग को 60 mm लेना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 60 mm लेना है यहाँ से, ये इसका जो है डीप रहेगा 60 mm। क्यों बता रहा हूँ आपको बता देता हूँ, यहाँ देखिए ये देखिए इसका PVC यहाँ पर, तो PVC में हम लोग को जगह नहीं रहता, उस हिसाब से हम लोग को जो है ना इसका मेजरमेंट सही तरीके से लेना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये तो हमारे जिप्सन बोर्ड में आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये समझ आ गया आपको, ये हम लोग को कितना करना है, यहाँ पर हम लोग को 85 mm करीब रखना है, उसका डीप उसके बाद यहाँ पर 60 mm, ये जो हो गया इसका साइज का मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग 12 वाट से हम लोग आ जाते हैं 7 वाट पे, तो इसका कॉप लाइट देखिए यहाँ पर जो है इसका जो लेंथ कैसा होता है आपको पता है, ये अंदर जितना अंदर रहेगा उतना दूर तक हम लोग का फोकस मिलता है अच्छे से। ठीक है, ऐसे फ्लैट वाला रहेगा तो फ्लैट वाला में कम रोशनी आता है, तो हम लोग ज़्यादातर यही लाइट यूज़ करते हैं। तो चलो आपको दिखाता हूँ इसका, इसको भी मेजरमेंट ले लेते हैं, इसको भी क्या करना है ऐसे ही सिंपली करना है इधर से हम लोग को, तो ये देखिए यहाँ पर हो रहा है ये करीब 60, तो ये 65 करना है। ठीक है, यहाँ पर 60 हो रहा है तो 65 रखना है, हल्का सा बढ़ाना है क्योंकि हम लोग को ये जो है ये ग्रिप जो पकड़ेगा ना ऊपर में जाके तो इसको हम लोग को दिक्कत जाता है, इसलिए स्टेप बढ़ा के रखना पड़ेगा। तो ये 65, ये 60 वाट को ऐसे 65 करना है। ठीक है, और इसका जो डीप जो है मैं आपको बता देता हूँ डीप कितना है, ये करीब 50 है। ठीक है, तो 50 में और 55 कुछ करना है अपने को, जैसे 60 हो गया तो यहाँ पर हम लोग 65 करेंगे ऐसा टाइप का, इसको हल्का सा बढ़ा देना है, ये 50 हो रहा है आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसको भी हल्का सा बढ़ा लेना देख के, और अभी हम लोग का तो ये साइज पता चल गया, इसको बढ़ाना नहीं पड़ता क्योंकि इसका डीप जो है लंबा रहता है, तो हम लोग को खाली इसका जो लेंथ है राउंड जो सर्कल है उसको हम लोग को अच्छे से मेजरमेंट करना है। तो समझ आ गया 12 वाट को कितने करना है, यहाँ पर हम लोग का 85 हो रहा है। ठीक है, और इसको कितना हो रहा है, ये हमारा 55 करीब हो रहा है ना, ये 55 हो रहा है, नहीं 65 हो रहा है, 65। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग इसका जो प्रॉब्लम क्या है आपको बताते हैं, पहले फॉल सीलिंग पे हम लोग जाएंगे और हम दिखाई देते हैं। ये देख रहे हो यहाँ पर मेरे को तो डाउट लग रहा है, काफ़ी बड़ा साइज कटिंग हो गया है, और कैसा लगेगा आपको दिखा दूँ, ये देखिए नज़ारा। तो चलो अभी ऊपर जाता हूँ आपको मेजरमेंट दिखाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ ये देखिए 12 वाट जो है ये कटिंग हुआ है, तो कितने जगह हम लोग का है दिखाते हैं आपको, 12 वाट के यहाँ पर साइज कट गया है, तो ये 12 वाट फिक्स कटिंग गया है। ठीक है, आप देख सकते हो ये 12 वाट सही लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा गलती क्या हुआ है आपको दिखाऊँ, ये अपने को लगाना था यहाँ पर 7 वाट का, ये है 7 वाट का, तो ये तो लोचा हो गया बस, देख रहे हो इधर ये चले जा रहा है अंदर, तो ये प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है, POP वाले को बुलाते हैं और ये सॉल्व करेगा वही बंदा जो कटिंग किया लाइट। तो एक छोटा सा गलती हो गया, क्या हुआ, लाइट तो पड़ा था वहाँ पर साइड पे, तो हम लोग 12 वाट का बताते गए, तो ये 7 वाट का भी काटना था इसको बताना भूल गए, तो ये 12 वाट कटिंग कर दिया। तो चलो अभी हम लोग सॉल्व कैसा करेंगे आपको दिखाते हैं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलो आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हो साइज जो है ना, इसको मैं आपको बताता हूँ कितना है हम लोग को कितना करना है, यहाँ पर ये होल देख रहे हो, ये कांड किया है कितना है, यहाँ पर देख रहे हो 90 हो गया, यहाँ पर 90 mm यहाँ पर कटिंग है और आप देख सकते हो 90, तो हम लोग को कितना करना है यहाँ पर पता है ना, हम लोग को करना है यहाँ पर 65 करना है। तो ये अभी इसको कैसा करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कैसा करेंगे, इसमें हम लोग जिप्सन बोर्ड लगा दें या POP भर दें, तो चलो आपको बता ही देता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है, ये सेंटर नहीं लिया गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे इसको लेते हैं और अभी इसके लिए फेक फर्मा बनाएंगे और इसको कटिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कटिंग किए हैं आपको दिखाई देते हैं फर्मा कैसा बनाया गया आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम लोग जो है देखिए यहाँ पर दो खीला लगाया गया है, ये POP वाले भी है, अभी हम लोग को कर रहे थे उतना समय इसको बनाया गया है, तो आपको दिखाई देते हैं ये कितना किया गया,
ठीक है, हम लोग को कितना करना है इसको, इसको 65 करना है। तो ये आधे में अभी हम लोग इसको कैलकुलेट कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये दोनों खिला का डिस्टेंस इतना रहेगा, ठीक है, आधे में। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको कटिंग करना है। ये देखिए, ये कटिंग कर देते हैं इसमें। ठीक है, और इसको हल्का सा अभी आरी ब्लेड से कटिंग कर, ब्लेड से हल्का सा ये कर ले रहे हैं क्योंकि ये पकड़ गया है ना यहाँ पर, और उसके बाद ये जो है ये टूट जाएगा ऐसा करके। ठीक है, और इसको हम लोग को छोड़ देना है ऐसे। तो इसी तरीके से ना सबको करना है। और आपको बता दूं, ये पीओपी वाले से गलती हुआ था, तो हमारे से पता है, अभी हम लोग तो बता के चले गए थे। उसको क्या हुआ, पीओपी वाले भैया को मिला नहीं हम लोग का लाइट जो है पॉइंट, हम लोग लाइट रखे थे ना 15 वाट, और ये जो है ये मिला नहीं, और हम लोग को वायर भी नहीं मिल रहा है। तो वायर ढूंढना है तो कैसा करना है पता है ना आपको। तो इसको क्या करेंगे, एक चूहा को अंदर घुसा देंगे, उसके बाद वायर ढूंढ के लाएगा, ऐसा बोलते हो ना। तो चलो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, कैमरा ऑन कर दिए फ़ोन का, फ़ोन का कैमरा ऑन कर दिए, लाइट भी ऑन कर लेते हैं, और अभी वायर हम लोग ढूंढने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग अभी कैमरे से हम लोग ढूंढ रहे हैं वायरिंग पॉइंट कहाँ छूटा हुआ है। एक खिला डाल दी एक पटनी यहाँ पर प्लाई पे, और वायर निकालने वाले, अब लेखू जा रहा है वायर निकालने, मेरे को प्यास लग गया तो मैं नीचे उतरा हूँ, तब भी से हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, मिला कि नहीं तेरे को पॉइंट। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमारा वायर आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर दो यू टेप का बना हुआ है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एक वायर इसमें जोड़ना है, एक वायर इसमें जोड़ना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर लाइट, तो ये चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ड्राइवर का वायर जोड़ देना है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ये देख रहे हो एक छोटा सा गलती हो गया, यहाँ पर बड़ा साइज का जो हम लोग लाइट पकड़े हैं ना, तो ये इसके लिए कटा था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को 7 वाट का लगाना है। तो चलो ये देखिए, यहाँ पर हम लोग लाइट अभी फिटिंग कर रहे हैं 7 वाट का, काफ़ी सिंपल है। ये देखिए, दो वायर निकला है, कोई सा भी वायर जोड़ देना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई सा भी वायर में हम लोग का चले, इसको माइनस प्लस नहीं चाहिए रहता है। करेंगे आपको, इसको पैक करने का तरीका भी आपको दिखाते हैं। एक जिप्सन बोर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग डालने वाले हैं, इसको जिप्सन बोर्ड के अंदर डालेंगे और इसको रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो है ये सीओबी वाला जो लाइट है हम लोग का, उसको हम लोग को डालना है तरीके से, और इसके बाद इसको पैक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैक हो जाएगा। ये देख रहे हो कैसा ये यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो। तो चलो इसी तरीके से सभी को अभी करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, इधर भी हम लोग को लगाना है 12 वाट का, ये तो सही कटा हुआ है, सारा बोर्ड भी बैठ रहा है। तो चलो, इनका शादी है 2 दिन के बाद, मतलब 2-3 दिन के अंदर, तो ये काम पूरा होगा कि नहीं ये पता नहीं है। अभी ये फ़ैन भी आया यहाँ पर, हमारे पास फ़ैन भी कौन सा कंपनी का आया देख रहे हो, आटम रंग, ये BLDC फ़ैन है रिमोट कंट्रोल वाले, यहाँ भी इंस्टॉलेशन करेंगे। इसका वीडियो चाहिए क्या, तो कमेंट ज़रूर करना, इसको हम लोग बनाएंगे ज़रूर। तो चलो, बाकी काम चल रहा है, और अभी हम लोग का पॉइंट जल्दी फटाफट निकालते हैं। तो अभी आ गया POP वाले बंदा जो गलती को सुधार रहा है, कैसे सुधारेगा आपको बताते हैं। पहले तो अभी एक जिप्सन बोर्ड यहाँ से लेके आया है, और इसको ऊपर में ऐसे पैकिंग डाल के इसको पैक करेगा। ठीक है, तो ये गलती कर दिया तो उसको सुधारना भी ऐसा नहीं है, काम बंद करके चले जाना। और हम लोग का वाइट लगाएं, और ये देखिए कैसा कर रहे हैं, हल्का सा वहाँ पर एब्रो टेप मारना था भाई, फिनिश क्लियर कर देगा। तो देखिए, POP ले लिया, और वहाँ पर जब जिप्सन बोर्ड बैठा दिया, और इसमें माल डाल रहा है, तो इस तरीके से रिपेयरिंग कर किया जा रहा है। नया काम में रिपेयरिंग होता ही है, ये कोई बात नहीं, क्योंकि ये जिप्सन बोर्ड में इसमें POP आराम से चिपक जाता है, कोई क्रेक भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसको करने दो, उसके बाद दिखाते हैं फिनिशिंग, और हल्का सा पुट्टी करने के बाद तो और बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर लाइट कटिंग हुआ था। चलो आपको दिखाते हैं किस तरीके से। देखिए, यहाँ पर हम लोग का ये COB लाइट लग गया, और पैकिंग कैसा हुआ, तो सभी जगह का हो चुका है। ठीक है, यहाँ भी और वहाँ भी, और ये फैन के लिए कटा हुआ है। अभी हम लोग का लाइट ऑन होने वाला है, चलो
और आपको टेस्टिंग दिखाते हैं। देख रहे हो कितने जन आज टीम वीडियो में, फर्नीचर वाले, पीओपी वाले, टाइल वाले भी थे। बिल्कुल जगह नहीं हो रहा आज काम करने के लिए। और अभी लाइट ऑन करते हैं, अब चलो ऑन करके दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हो दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर 7 वाट का जो हम लोग का लाइट जो है सीओबी लाइट लगा, आप देखिए। और हम लोग जो ये कटिंग जो है कैसा पैक किया, आप देखिए ना, पूरा डिटेल आपको बताएं कैसे हम लोग का 12 वाट को हम लोग 7 वाट में कन्वर्ट कैसे किए। काफ़ी मेहनत किए और फाइनली यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। और इसका रिव्यू देखिए, अभी तो पूरा सामान भरा हुआ है, अभी साफ़ सुथरा नहीं हुआ है, इसलिए लुक नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एसीपी पे हम लोग 12 वाट का सीओबी दिए, अंदर में यहाँ पर 7 वाट का दिए, ठीक है, फिलिप्स का और जहार का, विप्रो का है। आइए आपको फिलिप्स का और दिखाता हूँ 12 वाट का। तो देख सकते हो यहाँ पर लगा है पूरा, ये 12 वाट का लगा है ऐसा, ठीक है। तो ये लुक देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अभी तो पूरा फर्नीचर काम चल रहा है, उसके बाद लुक अच्छा आने वाला है यहाँ का। और हम लोग तो फाइनल यहाँ का आपको बताए थे प्रॉब्लम के बारे में और फाइनल सॉल्व कर दिए। तो दोस्तों कैसा था हमारा वीडियो, ये जो सीओबी लाइट था उसको हम लोग 12 वाट जहाँ पर कटिंग हुआ था उसको 6 वाट में कन्वर्ट किए और सीओबी इंस्टॉलेशन भी करके आपको बताएं किस तरीके से लाइट को लगाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ले सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऐसे रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।